Hi guys, welcome back to my channel. My name is Imani and you are watching First Clips, my baby. चल गया होगा, हम लोग आ गए हैं. आते हुए बहुत सारा राशन लेके आए हैं. उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्राई से थोड़ा बहुत सामान लेके आए हैं त्रिशिका के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा था. वो था डायपर्स. तो डायपर्स का हम लोग जो मेगा मंथली बॉक्स होता है वो वाला लेके आए हैं, 152 डायपर्स वाला. और मैमी कोको पैंट्स या एक नहीं दो एवन फिलिप्स के हम लोग पैसिफायर्स लेके आए हैं. तो 400 रुपये की कॉस्ट है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिशिका का. जब तक त्रिशिका लाइक रात को उसको पीना ही पीना है, 2 मिनट के लिए वो पीती है, उसके बाद फिर वो एक स्पिट आउट कर देती है, इस चीज़ को निकाल देती है. बट बहुत ज़रूरी था पैसिफायर भी. उसके बाद राहुल लेके आए हैं इंटेलिकेट, और ये फर्स्ट फ्राई का डब्बा है. बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ है इसके अंदर, अराउंड 5 एक्टिविटीज़ हैं. और मुझको तो लग रहा है कि बेस्ट है त्रिशिका की, क्योंकि अब त्रिशिका लाइक बहुत जल्दी 2 साल की हो जाएगी, तो 2 से 3 साल के बच्चों के लिए है ये. और अराउंड 500 का पड़ा था ये. तो ये 2 से 3 साल के बच्चों के लिए आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट वॉट कैन आई डू बिकॉज कैमरा सेल्फी कैमरा है. तो ये इंटेलिकेट है फ्रॉम फर्स्ट ट्राई, और इसमें 5 एक्टिविटीज़ है. 5 मीन्स की उसमें से एक जो है वो बुक है, 4 एक्टिविटीज़ हैं. जितनी भी 4 एक्टिविटीज़ है, जो भी 4 एक्टिविटीज़ है, दे आर डैम गुड फॉर त्रिशिका. तो मैं सोची थी मैं लेके आना, तो मुझे बहुत आगे से लाइक मैं प्लान करी थी उसको लाने का. मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे इनफैक्ट. तो फाइनली हम लोग उसको लेके आए हैं. 2 एक्टिविटीज़ मैंने त्रिशिका को उसमें से करा दी है, और इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी सो दैट आप लोगों को ऐसे ही लगेगा, समझ आ जाएगा क्या चीज़ होती है ये, बच्चों को क्यों देनी चाहिए. एंड खासकर जिनके बच्चे सुपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, उन लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी है. तो फिलहाल एंगेज करने का एक बहाना मिल गया मेरे को. और हम लोग राशन लेके आए हैं. राशन में नॉर्मल जो राशन आता है वो सब लेके आए हैं. सब सैनिटाइज हुआ है, सैनिटाइज करके धो धा के सब्ज़ियाँ वगैरह लाइक सब लेके आए हम लोग. और अभी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात कर लूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया था बात नहीं करी थी. और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो ये थी कि मेरा बहुत मन था इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने का, बट मैंने सोचा अभी ऐसे भी बता देती हूँ. तो सेपरेट वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इससे बेटर है कि मैं ये वाली वीडियो बना लूँ. तो लॉकडाउन हर किसी का पता है कैसा जा रहा है, कैसा गया. जो 4 महीने थे जिसमें बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, तो कैसा सबका गया होगा वो सबको पता है. बट गाइज, हमारा भी कुछ अच्छा नहीं गया. मैंने आप लोगों को दिखाया लाइक जो मैंने दिखाया वो आप लोगों ने देखा, बट जो नहीं देखा वो था बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हमारे लाइफ में, जो हमने सॉर्ट आउट किए, हम लोग उससे निकले. बट हर किसी के लिए जो लॉकडाउन है वो कहीं ना कहीं से वर्स्ट ही रहा है. किसी के लिए फ़ायदा तो हुआ नहीं है. कईयों के बिजनेस गए हैं, कईयों की नौकरियां गई हैं, कईयों का घर बर्बाद हो गया है कोरोना की वजह से. तो बहुत कुछ हुआ है. इवन हम लोगों को कोरोना टच नहीं किया, उसके बावजूद उसका जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसने हमको बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया है हर एक इंडिविजुअल को. तो मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि हमारा जो लाइफ है इस सिचुएशन में भी अच्छी नहीं थी, बट हमने उसको अच्छी बनाई है. आप लोगों को पोर्ट्रे किया है आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग जो 10 मिनट हम लोगों को दे रहे हो वो बहुत आपके अच्छे जाएं, एंटरटेनिंग जाएं, पॉजिटिविटी आए. क्योंकि पूरा दिन आप लोग उस चीज़ से निकल रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, आपको नेगेटिविटी हर जगह से सुनने मिल रही है. उस बीच में अगर आप मेरी 10 मिनट की वीडियो देखो तो उससे और नेगेटिव ना हो जाओ, आप लोगों के अंदर एनर्जी आ जाए. फन दिखा रही थी मैं, कुकिंग दिखा रही थी, एवरीथिंग विच एवर आई एम शोइंग टू यू गाइज वॉज पॉजिटिव. तो मेरा एक मन था कि मैं पॉजिटिव ही बातें करूं, बट नेगेटिव बहुत कुछ हुआ है. हमारे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा. तो मैंने सोचा इसमें मैं थोड़ा सी चीज़ें शेयर करना चाहती हूं आप लोगों के साथ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे मोस्ट वर्स्ट थिंग हैपन टू अस वॉज हमारी दादी, राहुल की दादी जो थी वो एक्सपायर हो गई इस क्वारंटाइन में, एंड हम लोगों को जा भी नहीं पाए देखने लास्ट टाइम पे. तो ये सबसे दर्दनाक हुआ. उसके बाद गाइज एक और हमारे साथ बहुत बड़ा हमारा लॉस हुआ है, वो है बिज़नेस का लॉस, जिसमें हम लोग पूरी प्लान कर चुके थे रेस्टोरेंट ओपन करने का. हम लोग दिसंबर से प्लान कर रहे थे, बट तब फिर दादाजी की डेथ हो गई, फिर फरवरी में नंबर आ गया, फिर कुछ डिले हो गया. और उसके बाद फिर हमारा मार्च में था प्लान करने का, बहुत लाइक अच्छे से पूरा लॉन्च करने का हमारा नया रेस्टोरेंट, बट वो हमारा कोरोना की वजह से फेल हो गया. एंड ऐसा फेल हुआ है कि अब तक भी हम लोग लाइक सोच भी नहीं रहे हैं हम लोग उसके बारे में कुछ भी. हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी थी, बट काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हम करने वाले थे जो कि बच रहे हम लोग, क्योंकि अगर वो हम लोग कर देते तो आई थिंक फिर तो क्या हाल होता हम लोगों का.
तो हमारा बिजनेस एक तरह से जो हमने ड्रीम देखा था राहुल और मैंने रेस्टोरेंट ओपन करने का, वो पूरा हमारा चकनाचूर हो गया इस लॉकडाउन में। हम लोग निकल ही रहे हैं उस सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मैं लास्ट कुछ ब्लॉग्स में लॉकडाउन से पहले कुछ ब्लॉग्स में आपको बताया था, बहुत जल्दी चीज़ें क्लोज कर रहे हैं हम लोग, प्लान कर रहे हैं। तो यही था, हम लोग रेस्टोरेंट खोलने वाले थे। हमने ऊपर का टॉप फ्लोर जो रूफ टॉप होता है रेस्टोरेंट्स का, जो बहुत एक तरह से अट्रैक्शन पॉइंट होता है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी बना दिया था, काउंटर बुक कर दिया था हम लोगों ने। शेफ के इंटरव्यूज चल रहे थे जब लॉकडाउन लगा उससे पहले, बट वो सब सारा लाइक ऐसे ही बर्बाद हो गया। हम लोगों ने अच्छा हुआ सैलरी पे कोई शेफ नहीं रखा था, अच्छा हुआ हमने बाकी बर्तन वगैरह नहीं लेके आए थे, बिकॉज अभी तक भी रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं चल रहे हैं, आप सब जानते हो। तो हमारा बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लॉस हुआ, और हम लोगों ने जो रेस्टोरेंट के लिए पैसा रखा हुआ था अपने पास सेविंग में, वो सारा हमारा क्वारंटाइन में राशन वगैरह इन सब में चला गया। तृषिका को इंजेक्शन्स लगते थे, ऐसा कुछ हुआ कि हर महीने ही तृषिका को इंजेक्शन लगे हैं लॉकडाउन में। आप लोगों को पता होगा, ब्लॉग्स में देखते होंगे अगर आप लोग, तो उसके बावजूद हम लोग उसको लगवाते थे। हम लोगों ने डिले बिल्कुल नहीं किया इंजेक्शन्स, वैक्सीनेशन जो होती हैं, चाहे हमको कैसे भी जाना पड़े। और राहुल के जो भी प्रोजेक्ट राहुल करते हैं बिजनेस में, राहुल सर्वलायंस सिस्टम के बिजनेस में हैं, तो जो भी बिजनेस करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, बड़े लेवल के होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स ही बेसिकली उठाते हैं, होटल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कॉलेजेस हो गए, इन सब के राहुल प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। तो जब लॉकडाउन लगा उससे पहले हमारी पेमेंट काफ़ी सारी फंसी हुई थी, वो वहीं की वहीं फंसी रह गई, एंड वो निकलना भारी हो गया पूरे लॉकडाउन में। तो उसकी वजह से हम लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आए, बट थैंक गॉड हमारे पास सेविंग्स थी जिसकी वजह से हम लोग निकल गए इस चीज़ से, वरना बहुत हम लोगों के बुरे हाल हो जाते, बिकॉज बिजनेसमैन का आपको पता ही है रिस्क फैक्टर रहता ही है बिजनेस में। तो वो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा हम लोगों को उसने लॉस में डाल दिया। स्टिल हम लोगों ने बिल्कुल भी जो होप होती है उसको लूज़ नहीं किया, हम लोगों ने सोचा चलो कभी ना कभी, एक सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है ना जो एक कोरोना है, कब ख़त्म होगा, कब वैक्सीनेशन आएगी, कब हम लोग फ्रीली अपना बिजनेस कर पाएंगे, फ्री हम लोग अपनी लाइफ जी पाएंगे। तो वो चीज़ होने में अभी तक भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ी है, बिकॉज बिजनेस हम लोगों को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। अभी शायद से एक महीना ही हुआ होगा हम लोगों को बिजनेस स्टार्ट करे हुए, बट वो फ्लो नहीं आ पा रहा है जो हमारा पहले था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी लग चुकी थी, आधी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी लगा दी थी, आधी रह गई थी, जो आधी रह गई थी वो हम लोगों ने अपने उसमें खर्च कर लिया, राशन वगैरह में। तो शो के हर तीसरे चौथे दिन दूध का डब्बा आता है, बिकॉज शी इज़ ऑन फार्मूला, और मैं उसको दूध की सिर्फ चीज़ें देखती हूँ बनेगी लाइक खीर वगैरह, बट वैसे उसका हम लोग फार्मूला ही उसको दे रहे हैं, बिकॉज वो बहुत चूजी है खाने में, तो उसको प्रॉपर विटामिन एंड मिनरल्स मिलना बहुत टफ होता है नॉर्मल डाइट के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से मैंने उसको स्टिक कर रखा है फार्मूला पे, और हर चौथे दिन पे तुष्का का 590 रुपीस के अराउंड डब्बा आता है। तो वो समय पे देना, रेंट देना, लोन देना, लोन का हम लोगों को धोखा हुआ। लोन में क्या हुआ कि हम लोगों को लगा 3 महीने हम लोग डिले करके, लाइक आपको पता ही होगा लोन का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, बट जब सेकेंड मंथ चल रहा था तब हम लोगों को पता चला कि उसमें हम लोगों को ज़्यादा देना पड़ रहा है, EMI हमारी ज़्यादा हो रही है, इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोगों ने उसी समय पे फटाफट कहीं ना कहीं से लाइक सेविंग्स थी उसको करके, प्लस जो हम लोग राशन जब यहाँ से हम लोग गए थे तो खूब सारा राशन हम लोग स्टॉक करके तृषिका के नानी हाउस गए थे। तो तृषिका के नानू का ये मानना है कि हम लोग लड़की का लाइक कुछ रखते नहीं है, तो उस वजह से उन्होंने मुझे वो कैश पेमेंट कर दी थी सारे राशन की लास्ट में जब हम लोग आ रहे थे, उसको जोड़ के प्लस बाकी चीज़ें करके और जगह से इंतज़ाम करके हमने 3 महीने का इकट्ठा लोन डलवाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था उस शेड्यूल में थी। बट थैंक गॉड मेरे मम्मी पापा यहाँ थे कि सब कुछ बैलेंस हो गया, अच्छे से हम लोग रहे, अच्छे से इन्जॉय किया। हम लोगों ने सारा अपना राशन क्लब कर लिया, आपको बताया ही था उसके बारे में। तृषिका खूब इन्जॉय करी, हम लोग वहाँ पे खेलते थे। फैमिली होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली अगर है तो फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी सॉल्व आउट हो जाती है। तो तृषिका को प्रेजेंस, तृषिका की प्रेजेंस वॉज मस्ट। यस, ये मेरा पूरा ट्राइपॉड हटक हिला देगी, ये स्टैंड ऐसे हाय टू एवरीवन। हाँ बस दैट्स इट, मी मम्मा करने दो, मम्मा बोलगा ना डैडा एक बार जाना डैडा पास पीपी लेके जाओ, अपना न्यू पीपी। तो बुरी चीज़ थी, अब अच्छी चीज़ क्या हुई, अच्छी चीज़ ये हुई है कि हम लोग जो पूरा इन्वेस्टमेंट करने वाले थे वो हमारा रह गया, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस अभी भी ज़्यादा नहीं है इन, बहुत टाइम लगेगा रेस्टोरेंट बिजनेस को डेवलप होने में, तो वो हमारा चीज़ बच गई। हम लोग बोर्ड्स देने वाले थे बनने, जो एडवर्टाइज करने वाले थे, हाँ शेफ को सैलरी देने वाले थे,
हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी, तो हम लोगों को उनकी उनको भी क्वारंटाइन में या फिर लॉकडाउन में उन लोगों का भी ध्यान रखना था, उनको भी थोड़ी बहुत जो भी सैलरी थी वो देनी थी। तो ओके पता नहीं कितना देर बात करी रही मेरे को, तो हमारा ये बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। ऐसा लॉस है कि आप लोग हम लोग दोबारा हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं रेस्टोरेंट दोबारा स्टार्ट करने की, बिकॉज कंडीशन एज यू ऑल नो कितना वर्स्ट हो गया है रेस्टोरेंट एविएशन एंड होटल बिजनेस का। तो हमारे पैसे भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड हो गए थे, हम लोगों का जो फ्लो था वो नहीं बन पा रहा था, लोग देने को रेडी नहीं हो रहे थे जस्ट बिकॉज क्योंकि उन लोगों का भी नहीं हो पा रहा है कहीं से। तो ऐसे में हम लोगों ने उस चीज़ को झेला है, प्लस अगर आपके पास सेविंग्स है ना तो सब कुछ है। तो मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगी कि सेविंग्स पे पूरा फोकस रखना, अगर आपके पास सेविंग्स है तो सब निकल जाएगा। लॉकडाउन में हम लोगों के पास टीवी यू वांट, ओके गिव मी 2 मिनट्स, फाइन ओके 2 मिनट ही है मेरे पास, मैं फटाफट बता दूँ। मैं फटाफट वाइंड अप करती हूँ जो भी मैं बोलना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सेविंग्स अपने पास ज़रूर रखो, पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए। हमारे जो जितने भी खर्चे थे वो तो कंटिन्यू ऐसे ही थे एज इट इज़, हमारी इनकम ज़ीरो थी, आप सब लोगों की भी इनकम ज़ीरो होगी और खर्चे होंगे जैसे चल रहे थे खर्चे वैसे ही। हम लोगों को यहाँ का 11,500 के करीब रेंट भी देना होता था हर महीने, और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारा फ्रिज ख़राब हो गया था बीच में, बड़ी मुश्किल से फ़ोन पे फ़ोन करा। 1 महीना हम लोग त्रिशिका के नानी हाउस रहे हैं, उस चीज़ का इतना फ़ायदा हुआ है कि त्रिशिका बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्टिव थी। अगर हम लोग यहाँ पे रहते क्योंकि ये अपार्टमेंट है टाइप का घर है, आप लोगों को देख रही होगा आप लोगों ने, और यहाँ पे बालकनी भी नहीं है, बंद है पूरा। तो कटी हो गया फिंगर कटी, शी इज़ ईटिंग चिप्स तो उसका फिंगर कट हो गया। तो ऐसे घर में पूरा लॉकडाउन अगर आप लोगों ने निकाला है तो आपको हैट्स ऑफ है, बिकॉज बहुत टफ हो जाता है 2 2 BHK रूम में फ्लैट्स में जहाँ पे छत पे जाने का परमिशन ना हो, नीचे जाने का परमिशन ना हो, उस घर में कैसे आप लोगों ने काटा है। हम लोग तो चले गए थे नानी हाउस में तो हम लोगों को पूरा टैरेस मिल गया था, हम लोगों ने तो अच्छे से काट लिया अपना लॉकडाउन, खेलते हंसते गाते, बस ये थोड़ा स्ट्रेस था जो फाइनेंशियल क्राइसिस का स्ट्रेस होता है, बट उससे हम इट इज़ हर्टिंग ऋषि ओके बट उससे 2 मिनट्स हाँ डाटा पास चले जाओगे, यू वॉन्ट टू गो डाटा पास, पर उससे हमें पता चला कि हमारे खर्चे भी बहुत लिमिटेड है। हम लोग जो एक्स्ट्रा खर्चे करते हैं रेस्टोरेंट्स में जाना खाना पीना वो हम घर में भी बना सकते हैं, लाइक वंस अ मंथ रेस्टोरेंट में जाना खाना इट्स ओके, बट जो हम फालतू खर्चे करते थे हमारे बहुत कट डाउन हो गए, हमारे तो हो गए पर्सनली, हमारे घर के राहुल के हम लोगों के बहुत, हम लोग फालतू जो खर्च फिजूल खर्ची करते थे वो बहुत कम हो गया है। लिमिटेड राशन हम लोगों ने लाए हैं उसमें भी हमारा अच्छे से काम चल गया, लिमिटेड सब्जियां खरीदी हैं उसमें भी अच्छे से काम चल गया, ना कहीं जाना ना आना। तो लाइक इस लॉकडाउन ने हमें जीवन जीना सिखा दिया कि हम लोगों को फैमिली हमारे लिए ज़रूरी है, हम लोगों के लिए इंडिविजुअलिटी ज़रूरी है, आपस में प्यार ज़रूरी है, बट पैसा भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो ये चीज़ हम लोगों को लॉकडाउन ने सिखाई है, फैमिली का महत्व। राहुल इतना ज़्यादा राहुल ने टाइम स्पेंड किया त्रिशिका के साथ तो एक अलग बॉन्ड हो गया है फादर डॉटर वाला जो होता है, जो जब वो जॉब पे जाते थे या बिजनेस में जब वो इन्वॉल्व होते थे तो इतना नहीं हो पाता था। तो हम लोगों को अपने फैमिली मेम्बर्स का लाइक वर्थ पता चल गई है, त्रिशिका के दादी दादू का इंपॉर्टेंस पता चल गया, अगर वो यहाँ होते तो हम लोगों को लाइक इतना परेशान ना होना पड़ता, अगर त्रिशिका के दादी दादू यहाँ होते तो। अभी भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आने का बट वो आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज वहाँ से ट्रेन की टिकटें नहीं हो रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अच्छी भी हुई हैं बुरी भी हुई हैं, जो बुरी हुई है उसका एक्सपीरियंस करो, जो अच्छी हुई है उसको अप्रिशिएट करो, गॉड का थैंक यू करो कि हम लोग बचे हुए हैं कोरोना से एंड ऐसे ही बचे रहें, जल्दी वैक्सीन आ जाए, सब सही हो जाए और हमारी लाइफ तो चलती रहेगी। पहले भी जो ज़रूरी नेसेसिटीज़ थी वो हम लोगों को करनी पड़ेगी, बट हाँ बिज़नेस में बहुत लॉस हो गया हम लोगों को, हमारा रेस्टोरेंट का जो सपना था ड्रीम वो छूट गया है, टूट गया है, पता नहीं कब जुड़ेगा, बट स्टिल एक बहुत अच्छी न्यूज़ होपफुली मैं दे पाऊँ आपको इन फ्यूचर में। तो बने रहिए उसके लिए एंड व्लॉग देखिए आज का, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी स्टे सेफ बी ग्रेटफुल गॉड।
triangle. What is it? Triangle. Oh. Yeah. Oh. Triangle. Oh.